विजन एम्स नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिविल लाइन अजमेर प्रेजेंट्स कौन बनेगा मेयर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं एम पी टी वी इंडिया। कौन बनेगा मेयर शो में आज हम आप पहुँचे हैं वार्ड नंबर 19 में और वार्ड नंबर 19 के जो पार्षद हैं भवानी सिंह वो हमारे साथ इस वक्त कौन बनेगा मेयर शो के ई रिक्शे पर सवार हैं। इनके साथ इनके वार्ड में चलेंगे, वार्ड में घूमेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या विकास के काम इनके वार्ड में 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान हुए हैं। इसके साथ ही जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि वार्ड में जो समस्याएं 4.5 साल पहले थी क्या वाकई उनका निस्तारण हो पाया या नहीं हो पाया। वार्ड के कई लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कार्यकाल कैसा रहा। तो भवानी सिंह के साथ शुरुआत करते हैं इनके वार्ड में घूमने की, जानने की कि वार्ड में वाकई विकास के काम क्या क्या करा पाए। भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, इससे पहले आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो तमाम पार्षद थे उन्होंने अजमेर दक्षिण की विधायिका अनीता बधेल के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वार्ड में जहां जहां से कांग्रेस के पार्षद हैं वहां पर विधायक फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, बहुत गंभीर आरोप लगे। तो जब विधायक महोदय से मिलेंगे तब हो सकता है कि इस बारे में सवाल भी करें, लेकिन आज भवानी सिंह हमारे साथ हैं। चिकन सुपर एक्सप्रेस डिलीशियस चिकन ऑन योर डोर, ऑर्डर ऑन Zomato एंड स्विगी एंड गेट 50% डिस्काउंट। चिकन सुपर एक्सप्रेस नियर यादव कॉम्प्लेक्स वैशाली नगर अजमेर। मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम MD मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर। कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। वार्डवासी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं इनको जो बैठे हैं। हाँ, भगवान सिंह जेदिया पार्षद हमारे। अच्छा, इनका 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या काम कराए इन्होंने? बहुत काम कराया है, सारी सड़कें बढ़ के नालियाँ वगैरह सब बनवाई अच्छी बनवा दी इन्होंने। हाँ, और कोई काम ऐसा रह गया हो जो लगता हो आपको? नहीं 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 काम तो हो जाता, बोलते हो जाता है काम तो। अच्छा, आपको नहीं लगता आपके वार्ड में CCTV कैमराज होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होने चाहिए? नहीं, जगह भी तो होनी चाहिए ना ऐसी, हमारे मोहल्ले में जगह नहीं है ऐसी तो क्या बनेगा। अच्छा, हाँ जगह नहीं है, ऐसी जगह होगी तो बने ना, लेकिन होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ चाहिए जगह। एक और है, चलिए ठीक है। कह रहे हैं लोग कि वार्ड में ये सारी सुविधाएं होनी तो चाहिए लेकिन जगह की भी एक ज़रूरत नज़र आती है। जैसा बता रहे हैं वार्ड पार्षद के, इनके इलाके में कुछ एरिया ऐसा है जो रेलवे के अधीन आता है और कुछ एरिया इनके अधीन आता है। तो जहां पर खुली जगह है वो रेलवे के पास ही है, लेकिन रेलवे से अभी तक उनको वो ज़मीन नहीं मिल पाई है जहां पर गार्डन जैसी सुविधाओं का विस्तार वो यहां के वार्डवासियों को दे सके। चलिए कुछ और तस्वीर आपको दिखाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मेयर शो में। एक बात बताइए, स्मार्ट सिटी में दक्षिण का एक भी वार्ड नहीं लिया गया, दुख नहीं होता? बहुत दुख होता है, लेकिन एक उसके जो नॉर्म्स थे ना स्मार्ट सिटी के, उस नॉर्म्स में सबसे जो व्यवधान पैदा हुआ वो ये रेलवे का एरिया ही हुआ। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और 1/3 1/2 एरिया ही रेलवे के अंदर है। अब रेलवे के अंदर इतना बड़ा एरिया होने के कारण उनके स्मार्ट सिटी के जो नॉर्म्स होते थे ना वो यहाँ लागू नहीं हो पाए। इस कारण हो सकता है कि इन वार्डों को, इस एरिया को स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया। कौन कौन सी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जिनके तहत आपके वार्ड में काम हो रहे हैं? केंद्र सरकार की एक तो स्मार्ट सिटी में तो ये हो ही रहा है, 2 वार्डों में काम हो रहा है स्मार्ट सिटी में। अमृत योजना के अंदर मेरे वार्ड में 70 लाख रुपये की लाइन, पानी की स्टील की पाइपलाइन डली है और बिजली के कनेक्शन भी मिले सौभाग्य योजना के तहत। और अपने ये उज्ज्वला गैस के सिलेंडर भी अपने जो सांसी बस्ती का एरिया है, भगवानगंज जो कच्ची बस्ती का एरिया है, उनमें उज्ज्वला गैस की योजना के तहत लोगों को गैस कनेक्शन ही मिले। और शौचालयों का निर्माण हुआ है यहाँ पर, कम से कम पहले ये जंगल का एरिया होने के कारण यहाँ पे खुले में शौच ज़्यादा जाते थे लोग बाग, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है इसके अंतर्गत इस वार्ड के अंदर ODF घोषित हो चुका है और इस वार्ड में संपूर्ण रूप से सबों के घर में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो चुका है। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण भी हो चुका है, अब वार्ड जो है वो साफ सुथरा है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो वार्ड के लोगों ने हमको बताई कि गार्डन की एक बड़ी गंभीर समस्या है,
क्या ये माना जाए कि बचा हुआ जो कार्यकाल आपका है इसमें गार्डन के लिए कुछ और प्रयास भी हो सकते हैं? नहीं, सबसे मैंने पहले भी आपको कहा था गार्डन के लिए जमीन होना आवश्यक है, जमीन ही नहीं है कैसे बनेगा गार्डन बताइए। और जैसे कि मान लो मैं आपको बोल दूँ हाँ मैं प्रयास करूँगा, लेकिन जगह नहीं है। अब आप यकीन नहीं करोगे, सामुदायिक भवन भी नहीं है मेरे वार्ड के अंदर क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं है। एक पहले अम्बेडकर भवन बना था चंद्रदाई नगर में, वहाँ पर भी मेरे को पूछा गया था कि आपके पास जगह, अब जिस प्रकार से वो जगह मांग रहे थे वो जगह है ही नहीं। अब पूरा एरिया पहले से डेवलपमेंट है, रेलवे का इलाका इलाका आता है पूरा, तो ऐसी कोई जगह की वो नहीं है। कई इलाके ऐसे होते हैं, वार्ड के में भी कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण अपने अधीन काम करवाती है। ऐसे में आपको लगता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण की जो समिति है उसके अंदर वार्ड पार्षदों को भी शामिल किया जाना चाहिए, उनसे भी बजट के ऊपर राय लेनी चाहिए? पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. Haan, bilkul sahi kehna hai aapka, kyunki humko to pata hi nahi padta ki wo vikas karya kahan ho raha hai. और अगर मान लो अगर किसी प्रकार का अधिकारी आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ विकास कार्य कराएं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार कराएं। जहाँ पर विकास कार्य की आवश्यकता है वहीं कराएं, ऐसा नहीं कि कई जगह मैंने देखा है कि रोड बनी हुई है उसके बावजूद खोदकर भी बना रहे हैं उस रोड को। अरे जहाँ पर रोड बनी हुई नहीं है वहाँ बनाओगे तो लोग तारीफ करेंगे, आपको दुआ देंगे, लेकिन मैंने देखा है कि अधिकारी वो उस चीज़ को दरकिनार करते हैं। अब ये यहाँ पर एक ये पुलिया की दीवार गिरी हुई है, अब चूंकि हमारा अध्यक्ष नहीं है, अब पुलिया की दीवार गिरी हुई है, पिछली बरसात में गिरी थी दीवार, और मैंने आईएन को जेएन को कई बार बोला है ये देखो दीवार, लेकिन अभी अब किसी कोई धनी दौरी नहीं किसी का, तो ये दीवार टूटी हुई है अभी तक इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये नाले की दीवार है जो टूटी हुई है। और ये इस नाले ये नाला भी है, इसके विषय में भी मैं प्रयासरत हूँ, लेकिन नगर निगम के पास फंड नहीं है क्योंकि नालों के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। जिस प्रकार से पहले स्मार्ट सिटी में कच्ची बस्तियों के नालों को लिया गया था, लेकिन अब किसी कारणवश नालों को नहीं लिया जा रहा है, लेकिन हमको उम्मीद है कि स्मार्ट सिटी में ये कच्ची बस्ती के नालों का भी विकास हो जाए ना, तो अपना शहर स्मार्ट हो जाएगा। अच्छा, शिवशंकर हेड़ा पार्षदों को सपोर्ट करते थे क्या? हाँ करते थे, पार्षदों को सपोर्ट भी करते थे, हमारे फरियाद भी सुनते थे, और वैसे तो सारे काम अनिता बैदल मैडम करा देती थी, तो ज़्यादा तो काम पड़ता नहीं था उनसे, लेकिन वो पोलाइटली थे, व्यवहारिक थे, अच्छे व्यक्ति। चलिए अब दबे पाओ, एक बात और बता दीजिए, कौन बनेगा मेयर शो है, मेयर की जो कुर्सी है वो ऐसी महिला हो गई है, तो दबे पाओ किसकी सुगबुगाहट चल रही है आप लोगों के बीच में कि हम उसको मेयर के ऊपर बैठे? कुछ लोग जो हैबिचुअल पार्षद हैं, नाम नहीं बोलूँगा उनका, वो अपनी पत्नी को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये मुकद्दर का होता है सारा, किस्मत का खेल होता है, किस्मत में जो जिसके लिखा रहता है वो कोई टाल नहीं सकता है, और देखते हैं आगे क्या होता है। मुकद्दर पे डाल दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गणित चारों तरफ से है, क्योंकि बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों में क्या है, मतलब धड़े बने हुए हैं, है ना, कोई किस धड़े का है, कोई किस धड़े का है, कोई किस धड़े का है, इसलिए कुछ नहीं कह सकते। सब अभी दबे पांव से अपने घरवाली को पार्षद का चुनाव लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कोई नाम नहीं बताएंगे आप, बड़ा नाम जो हाँ वाकई? अभी कुछ नहीं, कुछ लोगों का नाम आया था, लेकिन उन्होंने वापिस अपना विचार रख दिया कि मैं नहीं लड़ना चाहती हूँ चुनाव, देखते हैं क्या होता है, आगे चुनाव आएगा, परिणाम निकलेगा, उसके बाद क्या होता है। बदेल के परिवार में से कोई आने वाला है? अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, और ऐसा कोई नाम भी नहीं आया अभी, कोई नाम नहीं है, नहीं दबे पाँव भी नहीं बताएंगे, नहीं अभी नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing aur accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-82312. पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का MBBS में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाए। एडमिशन के लिए कॉल करें 9992947733। वार्ड पार्षद का कार्यकाल 4.5 साल का कैसा लगा आपको, कैसा रहा इनका काम? काफी बेटर है, पहले से तो काफी बेटर किया इन्होंने काम, साफ सफाई वगैरह हर चीज पे ध्यान दिया है।
और मेन है जो चोरी वगैरह का डर था वो भी काफ़ी अब पहले से कम हो गया है, तो हमको अच्छा लगा है काम ऑल ओवर। और कौन से काम इस वार्ड के अंदर होने चाहिए? एक्चुअली और तो अभी ऐसा तो जरूरत गार्डन आपके वार्ड में है नहीं, एक्चुअली आसपास वगैरह इस टाइप में कुछ गार्डन्स वगैरह है नहीं, बच्चों के अकॉर्डिंग ये चीज़ें थोड़ी होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ क्या हर जगह होनी चाहिए, थोड़ा सा हर एरिया में होनी चाहिए लगभग, बच्चों के अकॉर्डिंग थोड़ा प्राइवेट एरिया फ्रीली इन्वायरमेंट कर सकें उस अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा हाईवे है तो थोड़ा उसकी सिक्योरिटी, क्योंकि पेट्रोल पम्प्स के जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही वो हो जाता है हमारा एरिया, अदरवाइज इसीलिए होना चाहिए यहाँ पे ज़्यादा इस बात का। ठीक, थैंक यू। थोड़ा पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से पानी सड़क पे कोई छिड़काव हो नहीं पाया, इस वजह से बहुत मिट्टी उड़ती है। एक बार हो सके तो एक बार इसके ऊपर एक प्लास्टर होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है। बाकी वैसे काम सही हुआ, इन्होंने अपनी तरफ से सही काम करवाया, ऐसी कोई दिक्कत इनकी कोई गलती नहीं है। बाकी हाँ, वो पाइपलाइनें टूटने से बहुत मतलब दिक्कत आ गई थी, और ऊपर से एक बार और हो जाएगा ना प्लास्टर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आपके वार्ड में सीसीटीवी कैमराज होने चाहिए, गार्डन होने चाहिए? गार्डन वार्डन तो ठीक है, देखो पहले बाकी सीसी कैमरा तो मेन उधर होना चाहिए गेट पे, क्योंकि देखो यहाँ पे सब प्राइवेट कॉलोनी है तो अच्छा नहीं लगता है। बस बाकी हाँ, मेन गेट पे होना चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो वाली बात, बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। गार्डन हाँ बच्चों के लिए होना चाहिए जैसे है, बाकी एक बार प्लास्टर हो जाए ना और अच्छी बात है। बाकी धूल मिट्टी से पूरे घर गंदे हो जाते हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, बाकी वो पानी नहीं था इस वजह से छिड़काव नहीं हो पाया, पर बहुत मिट्टी उड़ती है, और सफाई कर्मचारी आते हैं पर वो झाड़ू लगा के जाते हैं तो मिट्टी उड़ती रहती है इस चक्कर। बाकी बहुत अच्छा रहा, बहुत ही समाज सेवी हैं और बात सुनते हैं, काम किया अब लगता है कुछ और काम वार्ड में होने चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया। इनको जो कहा है वो तो किया है, अब जो कहेंगे ही नहीं तो कहाँ से होगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम किया है, सही है, मिलनसार है और हमेशा उपलब्ध है, सबसे बड़ी बात है। दोबारा टिकट दे दे पार्टी इनको, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम करे। अच्छा, मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता नाम एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड अजमेर, कॉन्टैक्ट 8114482312। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का एमबीबीएस में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशंस के लिए कॉल करें 9929477733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. चलिए चलते चलते अब ये बता दीजिए कौन बनेगा मेयर, शो कैसा लगा? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इस प्रकार से आपने वार्ड में घूमकर और ये वार्ड के विकास कार्यों के लिए जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई है, जिससे कि ये पता पड़े लोगों को, आमजन को, कि इस वार्ड में क्या विकास कार्य हुए हैं, और अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये कार्यक्रम आपका, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कौन बनेगा मेयर शो में ये वार्ड नंबर 19 से वार्ड पार्षद थे, इनके साथ हमने जाना कौन कौन से विकास के काम किए, दबे पाँव हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर सुखबुगाहट पार्षदों के बीच चल क्या रही है, राजनीतिक बातें भी हमने इनसे की। कुछ उम्मीद है कि इनके वार्ड में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वार्ड की, वो आपको भी दिखे, दूसरे जो पार्षद हैं उनको भी दिखाई दे कि किस लागत से किस तरीके से इन्होंने विकास के काम विधायक फंड से भी यहाँ पर किए हैं। कांग्रेस के पार्षदों का जो आरोप था कि विधायक फंड उनके वार्ड में नहीं लग पाए, उसका भी जवाब इन्होंने यहाँ पर कौन बनेगा मेयर शो में दिया। खैर, आपके वार्ड में भी हम आने वाले हैं आपके वार्ड पार्षद के साथ, और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने वहाँ पर क्या विकास के काम किए। आज के लिए केवल इतना ही। पिछले 7 वर्षों से हर तीसरे विद्यार्थी का एमबीबीएस में चयन कराने वाले देश की एकमात्र कोचिंग संस्था विजन एम्स। विजन एम्स आए, डॉक्टर बन के जाएं। एडमिशंस के लिए कॉल करें 9929477733। Chicken Super Express, delicious chicken on your door. Order on Zomato and Swiggy and get 50% discount. Chicken Super Express, near Yadav Complex, Vaishali Nagar, Ajmer. Mobile repairing or accessories ki duniya mein teji se ubharta naam. MD Mobile, Station Road, Ajmer. Contact 8114-842312.